गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को मैं लेकर आ गई हूँ थाने के इस्कॉन टेम्पल, जो अभी पहली बार बिल्ट हुआ है यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से बना हुआ है यहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है। और पूरे वीडियो को देखने के लिए टिल द एंड तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको पूरी वीडियो देखने को भी मिल जाएगी और जो नए नए वीडियो आएंगे वो भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए मैं आप लोगों को पूरा घुमाती हूँ। सो गाइस, थाने इस्कॉन टेम्पल कैसे पहुँचना है अलॉन्ग विद द राधे कृष्णा दर्शन, आपको पूरा डिटेल में दर्शन कराऊंगी और बताऊंगी। थाने इस्कॉन टेम्पल बेसिकली पिरामल सोसाइटी के अंदर आता है, जो कॉमनली सबके लिए ओपन है। और थाने से हर एक कोना बहुत ही वेल कनेक्टेड है मुंबई का। तो आप अगर कहीं से भी आते हैं तो थाने स्टेशन उतर के वहां से बस से भी आ सकते हैं 15 रुपीज में, और अगर ऑटो से आते हैं तो 40 या 50 रुपीज में आप पहुंच सकते हैं। और थाने से इस्कॉन टेम्पल लगभग 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और यहाँ एंटर करते ही आपको सबसे पहले शू रैक दिखेगा, जहाँ पे आप बैग में शू रख के दोगे तो दे विल गिव यू अ टोकन, तो जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस्कॉन थाने के चारों तरफ एक छोटा सा गार्डन एरिया भी डेवलप किया गया है बच्चों के लिए। और आज वैसे तो वीकडेज है, मैं आई हूँ वीकडेज में, तो काफ़ी भीड़ है आज वीकडेज में, आप देख सकते हैं। तो आप सोच लीजिए वीकेंड और किसी ओकेज़न में कितना भीड़ होगा। और यहाँ पे आने के लिए सबसे अच्छा टाइम अर्ली मॉर्निंग रहेगा, तो काफ़ी लोग कम भी रहेंगे और खाली जगह भी होगा, तो आप अच्छे से आराम से आ सकते हैं दर्शन करने के लिए और पीसफुली आप भगवान के दर्शन ले सकते हो मंदिर में। मंदिर कुछ सामने से ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और चारों तरफ पूरा गार्डन एरिया है जो बाग फूलों से भरा हुआ है। और मेक श्योर करें कि आप कभी भी आते हैं तो ये फूलों को मत तोड़ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है वैसे कि नहीं तोड़ना है। तो आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ है यहाँ के सजावट को, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बना हुआ। अगर आप इवनिंग में आते हैं तो लाइटिंग का जो नज़ारा रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले गार्डन घूमने से पहले हम कर लेते हैं राधा कृष्ण के दर्शन, तो चलिए करते हैं राधा कृष्ण के दर्शन। थाने इस्कॉन टेम्पल को 2.75 एकड़ कॉम्प्लेक्स में बिल्ड किया गया है, और इस कलाकृति को देखने के लिए आपको जरूर एक बार आना चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के कलाकृति को एक मशीनरी से बहुत ही अच्छे से काप किया गया है, तो इसे एक बार आप जरूर देखना। हर एक फ्लोर पे आपको भगवद गीता से रिलेटेड स्टोरी, श्री कृष्णा के बचपन की कहानी, गोवर्धन पर्वत की कहानी, यशोदा मैया की कहानी, राधे कृष्णा की कहानी जैसी सारी बहुत सारी स्टोरीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। और यही नहीं, अयोध्या श्री राम रावण के विष्णु के अवतार में यहाँ पे महाभारत और रामायण के कुछ मुख्य अध्याय को भी यहाँ पे देखने मिलेगी। Yeah!
मंदिर का एक्चुअल नाम श्री श्री राधा गोविंद देवा मंदिर है, और मंदिर के चारों ओर भगवत गीता के सेंस भी लिखे हुए दिख जाएंगे। सनसेट के गोल्डन आर के वक्त मंदिर की खूबसूरती दुगनी बढ़ जाती है। अब देख सकते हैं चारों तरफ मंदिर के हर एक कोने में कोई ना कोई फोटोज वीडियोज लेता हुआ आपको दिख जाएगा, क्योंकि मंदिर है ही इतनी खूबसूरत। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको एक गार्डन और दिख जाएगा, जहाँ पे अच्छे से फूलों से काफी भरा हुआ एक गार्डन है, और यहाँ पे क्राफ्ट से भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया है, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आई होप इवनिंग में लाइटिंग में बहुत अच्छा दिखेगा। एंड आप देख सकते हैं इसका व्यू मंदिर का कितना अच्छा दिख रहा है अभी इस टाइम पे। एंड आप एक बार जरूर विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है इस वीडियो में, थाने के इस इस्कॉन टेम्पल के ब्लॉग में। अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।